सो हे गाइस, कैसे आप सभी लोग? आई होप आप सब बढ़िया होंगे। तो गाइस, आज की इस वीडियो के अंदर मैं आप लोगों को बताने वाला हूं कि आप लोग अपने आईफोन 6 या उससे नीचे वाले किसी भी आईफोन पर इंस्टा कैसे इंस्टॉल कर सकते हैं। तो अगर आप लोगों को भी उस पर iOS 14 वाला एरर आ रहा है तो आप लोग उसको उसमें ईजिली यहाँ पे फिक्स कर सकते हैं एंड यहाँ पे इस पर इंस्टा या फिर कोई सा भी दूसरा एप्लीकेशन इंस्टॉल कर सकते हैं। तो चलिए बिना टाइम के वीडियो को शुरू करते हैं। तो गाइस, पहले मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ कि किस तरीके से जो है इसमें इंस्टॉल होगा ये। तो गाइस, पहले मैं कोई एप्लीकेशन सर्च कर लेता हूँ जो उसके iOS वर्जन से ज़्यादा हो। तो गाइस देख सकते हो, जैसे कि यहाँ पे ये ट्विटर है तो वो देख सकते हैं ये iOS 15 के लिए कह रहा है एंड अभी मेरे में iOS 13 ही डाला हुआ, मतलब 13 से भी नीचे है, जस्ट 12.6 कुछ है। तो यहाँ पे देख सकते हैं कुछ इस तरीके का आइकन बन के आ रहा है, जैसे हम इसको ऑलरेडी डाउनलोड कर रखते हैं। जैसे इस पर हम क्लिक करेंगे तो देख सकते हैं यहाँ पे ओल्डर वर्जन के लिए कह रहा है जो इस पर कम्फर्टेबल है, तो ये ऑटोमेटिकली इसको इंस्टॉल करने लग जाएगा। बट मुझे अभी इसे इंस्टॉल नहीं करना है, तो आप जान लेते हैं किस तरीके से वर्क करेगा। तो गाइस, इसके लिए आप लोगों को iOS 14 से ऊपर वाला आईफोन लेना है एंड उसमें जो एप्पल आईडी होगी वो आपको अपने आईफोन 6 या आईफोन 5 जो भी आप यूज़ कर रहे हैं आपको उस पर लॉग इन कर लेना है। तो आप लोग ऐसा दोनों फोन के साथ कर सकते हैं, या तो अपने वाले एप्पल आईडी को उस दूसरे वाले फ़ोन पर लॉग इन कर सकते हैं। जैसे कि मैं आईफोन 14 यूज़ कर रहा हूँ तो उसकी एप्पल आईडी को मैंने आईफोन 6 पे जो है अपने लॉग इन कर लिया है एंड उसमें जो फिर बाद में मैं आईफोन 14 पे जो एप्लीकेशन इंस्टॉल करूँगा वो इसमें इंस्टॉल होगी। आप लोग ऐसा नहीं कर सकते कि आप कोई भी इंस्टॉल कर लेंगे, पहले आपको वो एप्लीकेशन जो है अपने उस दूसरे आईफोन पर इंस्टॉल करनी होगी एंड देन उसके बाद आपको अपने वाले पर इंस्टॉल करना है। अपने ओल्डर आईफोन पे कोई भी एप्लीकेशन को इंस्टॉल करोगे जो आपके उस वाले दूसरे आईफोन पे इंस्टॉल होगी तो ये ऑटोमेटिकली जो इसके कैपेबल वर्जन होगा उसको इंस्टॉल करेगा, जिससे कोई लैग वगैरह भी नहीं करेगा एंड ऐप क्रैशिंग का भी कोई इशू इसमें नहीं रहेगा। एंड इसका सिर्फ यही सॉल्यूशन है क्योंकि अब जो है एप्पल अपने पुराने ओल्डर आईफोन पे कोई और अपडेट नहीं देने वाला। और गाइज, एक चीज़ का आप ध्यान रखना कि आप जिसकी भी आईडी अपने आईफोन 6 पे लॉगिन करो तो आपके रिलेटिव भी होना चाहिए, क्योंकि आप लोग जब भी आईडी लॉगिन करेंगे उसका सारा डाटा आपके फ़ोन पे आएगा एंड आपका सारा उसके फ़ोन पे चला जाएगा। तो इस चीज़ का आप ध्यान रखना, तो इसलिए किसी रिलेटिव का या अपने किसी फ्रेंड का या यूज़र आईडी और उसका जो पासवर्ड है वो सब यूज़ करना। उसके अलावा गाइज, अगर आपकी कोई भी क्यूरी हो तो आप लोग मुझे कमेंट कर देना, मैं उसका रिप्लाई जरूर से दूंगा। तो मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।